हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का एक पेपर, और ये पेपर हुआ था 9 अगस्त 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। ये सेट 8 है, और इससे पहले के सेट जो हैं उनको भी आप देखिए, उनसे डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो क्लास में हम सेट 8 को डिस्कस करेंगे, और ये सारे क्वेश्चंस एसएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो। कंटेंट और सिलेबस एसएससी में ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए काफ़ी यूजफुल रहेंगे। देखिए, इसी तरीके से आपके एसएससी एग्जाम में पूछा जाएगा, यही पैटर्न रहेगा। जैसे पहले एरर का एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, और ये कंडीशनल सेंटेंस है। इंग्लिश में तीन कंडीशन होती हैं, एक ओपन कंडीशन, एक इमेजिनरी कंडीशन, और एक होती है अनफुलफिल्ड कंडीशन। ऐसी कंडीशन जिसकी शर्त जो है वो पूरी नहीं हो सकी, और चूंकि शर्त पूरी नहीं हो सकी इसलिए उससे रिलेटेड जो काम था, उससे रिलेटेड जो जो वर्क था वो पूरा नहीं हो पाया। जैसे इस कंडीशन में आप देखिए, इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, यदि तुमने मुझे पहले बताया होता, आई विल हेल्प यू, यदि तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैंने आपकी मदद की होती। ये इसका शुद्ध हिंदी में इसका अर्थ है, ठीक है। तो इस तरह का जो सेंटेंस होता है, जिसमें अनफुलफिल्ड कंडीशन को हम यूज़ करते हैं, उसमें हम हैड के साथ वुड हैव का प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, हैड के साथ वुड हैव का प्रयोग हम करते हैं। लेकिन इस सेंटेंस में हैड के साथ हमने क्या किया है, विल का प्रयोग किया है, जो कि गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर हैड चूंकि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इसमें सही लगाइए, लेकिन यहाँ पर हमने विल का प्रयोग किया है, और विल के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर वुड हैव का। और चूंकि वुड हैव पास्ट परफेक्ट टेंस में आता हैव का प्रयोग हम टेंस में करते हैं, इसलिए हैव के साथ यहाँ पर हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो हैड वाला जो पाथ है, जो कंडीशनल पाथ है, वो सही है इसमें, लेकिन जो सेकेंड पाथ है आई विल हेल्प यू, वो इसमें गलत है। यानी इस पार्ट में इसमें कोई गलती नहीं है, गलती है इसमें सेकंड पार्ट में। तो सेकंड इसका जो होगा वो इसका आंसर होगा, ठीक है। ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, और ये है थर्ड। थर्ड पार्ट में इसका आंसर होगा, सेकंड नहीं, थर्ड, ठीक है। क्योंकि आई विल हेल्प यू जो है वो थर्ड के स्थान पर इसमें दिया है। इफ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, क्योंकि इफ यू हैड फर्स्ट में दिया है, टोल्ड मी अर्लियर सेकंड में दिया है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट इसके सही हैं। थर्ड पार्ट क्या होना चाहिए, थर्ड पार्ट होना चाहिए आई वुड हैव हेल्प्ड यू। अब चूंकि ये सेंटेंस जो होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, इसमें काफ़ी कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट को, तो एग्जामिनर इस तरह के सेंटेंसेस काफ़ी कॉमनली एसएससी में देता है। जैसे यहाँ पर हेड के स्थान पर हैव कर देगा वो, यहाँ पर टोल्ड के स्थान पर टेल आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर विल के स्थान पर वुड आ जाएगा, फिर हैव नहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से ये एक ऐसा सेंटेंस होता है, ये एक टिपिकल एसएससी सेंटेंस है, जिसमें काफ़ी स्थानों पर, काफ़ी जगहों पर वो आपको एरर दे सकता है, ठीक है। हेड के स्थान पर हैव हो सकता है, टोल्ड के स्थान पर टेल हो सकता है, यहाँ पर वुड हैव आना चाहिए तो विल कर दिया, ठीक है, वुड हैव के बाद फर्स्ट फॉर्म कर दी। तो इसको, इस तरह के सेंटेंसेस को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कहाँ पर इसमें एरर हो सकती है, और यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कहीं पर भी एरर हो उसको आप आसानी से आप निकाल पाएंगे। जैसे आप यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं कि हैड इज़ फॉलोड बाय वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव। हैड के साथ ये तीनों ही फॉर्म्स आ सकती हैं, वुड हैव भी आप लगा सकते हैं, कुड हैव और माइट हैव भी आप लगा सकते हैं। वुड हैव का मतलब होता है कि ऐसा हुआ होता, ठीक है, कुड हैव का मतलब है ऐसा हो सकता था, और माइट हैव का मतलब है हो सकता है ऐसा होता, ठीक है। तो इन तीनों के अलग अलग मतलब निकलते हैं, लेकिन वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, और ये तीनों ही वर्ड्स वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव, इनको हम लगाते हैं हैड के साथ। और यदि आप यहां पर इफ यू हैड नहीं बोलते तो इसके स्थान पर आप बोल सकते हैं हैड यू, ठीक है, इफ यू हैड के स्थान पर आप बोल सकते हैं हैड यू टोल्ड मी। यदि आप ऐसा बोलते हैं हैड यू टोल्ड मी, तो ये सेंटेंस आपका पूरे तरीके से करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली आपको स्टडी करनी है, और कॉम्प्रिहेंसिवली डिटेल्ड में आप स्टडी करते हैं, डिटेल्ड उसकी एक्सप्लेनेशन के साथ उसकी स्टडी करते हैं, तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट, और आपका एरर वाला पार्ट, और आपका फिल इन द ब्लैंक्स वाला पार्ट, इसको आप करेक्टली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हर मदर इज एंग्री एंड इनडिफरेंट टू मी।
देखिए ये सेंटेंस को आप ध्यान से देखिए, इंडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंट का मतलब होता है अनकंसर्न, ठीक है। तो इंडिफरेंट के बाद हमने प्रपोजिशन टू लगाया है। इंग्लिश में कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के बाद कुछ पर्टिकुलर प्रपोजिशन का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। ये सेट प्रपोजिशंस होते हैं कि इंडिफरेंट के बाद हम टू ही लगाएंगे। तो एक ही वर्ड के साथ नॉर्मली एक ही वर्ड लगता है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ दो या तीन वर्ड्स हम अलग अलग सिचुएशंस के लिए लगाते हैं। जैसे एंग्री है या एग्री है, एंग्री के साथ हम लगाते हैं विद, व्यक्तियों के लिए, पर्सन्स के लिए हम विद लगाते हैं, और किसी चीज़ से आप नाराज़ हैं या किसी चीज़ पर आप नाराज़ हैं तो उसके लिए हम एट लगाते हैं। तो हर मदर क्या है? पर्सन है, तो इसलिए एंग्री के साथ यहाँ पर हम विद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो इसमें वर्ड हैं एंग्री और इंडिफरेंट, तो दोनों ही वर्ड्स के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, और दोनों ही वर्ड्स के साथ अलग अलग प्रपोजिशन का प्रयोग होता है, इसलिए दोनों ही वर्ड में आपको अलग अलग प्रपोजिशन का प्रयोग करना होगा। तो एंग्री के साथ सूटेबल जो प्रपोजिशन है वो है एंग्री विद। तो हर मदर इज एंग्री विद एंड इंडिफरेंट टू मी, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, और सेकंड पार्ट में इसमें एरर आपकी मानी जाएगी, सेकंड इसका आंसर आपका हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, एज बोथ द वर्ड्स आर डिफरेंट दे शुड बी फॉलोड बाय डिफरेंट एंड प्रॉपर प्रपोजिशंस। दोनों वर्ड्स के साथ अलग अलग प्रपोजिशंस का प्रयोग आपको करना होगा, ठीक है। एंग्री विद के साथ हम एंग्री विद हम लगाते हैं समवन के साथ, एंग्री विद समवन, और एंग्री एट समथिंग, किसी चीज पर आप नाराज हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे एंग्री एट। तो इसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डू नॉट लॉयटर द कॉरिडोर। लॉयटर का क्या अर्थ है? लॉयटर का अर्थ है कि किसी जगह आप खड़े हैं, जैसे सिनेमा हॉल है वहां पर खड़े हैं, घूम रहे हैं बिना किसी पर्पज के, मॉल में आप खड़े हैं उधर उधर टहल रहे हैं, आपका कोई पर्पज नहीं है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लॉयटरिंग। तो लॉयटर जो वर्ड है इसके साथ हम अराउंड वर्ड लगाते हैं लॉयटर के साथ, ठीक है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा वो होगा लॉयटर अराउंड, डू नॉट लॉयटर अराउंड द कॉरिडोर। आप यहां पर देख सकते हैं ये अलग अलग इसके मैंने एक्सप्रेशन दिया है, टू लॉयटर इज टू हैंग अराउंड, कहीं पर रुक के किसी किसी चीज का वेट करना, घूमते रहना बिना किसी स्पेसिफिक पर्पज के, तो उसको हम बोलते हैं लॉयटर। और इसका एक मतलब और होता है, टू डिले एन एक्टिविटी विद आइडल स्टॉप्स एंड पॉजेज, किसी एक्टिविटी को डिले करना, उसको खींचना, उसको डिले करना, ठीक है, तो उसको भी हम लॉयटर बोलते हैं। टू डिले एन एक्टिविटी विद आइडल स्टॉप्स एंड पॉजेस, रुक गए फिर काम करने लगे, फिर थोड़ी देर रुक गए फिर काम करने लगे, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉयटरिंग, ठीक है। लिंगरिंग भी बोलते हैं इसको हम, और डॉडल जो है ये है इसका सिनोनिम, DAWDLE, ठीक है। और ये मैंने काफ़ी सारे सिनोनिम्स यहाँ पर दिए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। लिंगर होता है, स्कल्क होता है, सॉन्टर होता है, एक ये वर्ड काफ़ी पूछा जाता है, एक ये नया वर्ड है प्रोमिनेड, ठीक है, स्ट्रॉल और मियंडर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, और ये सिनोनिम हैं लॉयटरिंग के, लिंगर, स्कल्क, सॉन्टर, प्रोमिनेड, स्ट्रॉल और मियंडर, ये सारे वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई विल स्कोल्ड हिम वेन, अब देखिए इसमें भी एक कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है, इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई व्यक्ति दो फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, तो उसमें एक एक्शन जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा। कौन सा एक्शन? ऐसा एक्शन जो वैन से, इफ से, अनलेस से, अनटिल से या टिल से स्टार्ट होता है, जो वैन से, इफ से, अनलेस से, अनटिल से या टिल से स्टार्ट होगा, उस वाले सेंटेंस को, उस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं, और दूसरा वाला जो सेंटेंस है उसको हम विल या कैन के साथ लिख सकते हैं। आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही कम्स, तो इस सेंटेंस में देखिए दो फ्यूचर एक्शन क्या हैं, कि जब वह वापस आएगा तो मैं उसको डांटूंगा, जब वह वापस आएगा यानी फ्यूचर टेंस, मैं उसको डांटूंगा यानी फ्यूचर टेंस, तो दो फ्यूचर टेंसेज हैं इसमें। तो दो फ्यूचर टेंसेज में से एक जो टेंस है जो इफ से या वेन से स्टार्ट होगा उसको हम किस में लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस में। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही कम्स। इसमें एक तरीके से और सेंटेंस को घुमा के इसमें देते हैं,
ये वैन वाला जो पाथ है इसको शुरू में रख सकते हैं और आई विल वाला जो पाथ है इसको इधर ले जा सकते हैं। लेकिन इस तरह से सेंटेंसेस को, इस तरह से क्लॉजेस को चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ध्यान रखिए, ये वैन वाला पाथ इधर आ सकता है और आई विल वाला पाथ इधर जा सकता है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग वही रहेगा और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी वही रहेगा। तो आई विल स्कोल्ड हिम व्हेन ही कम्स, इस तरीके से इसको आपको सही करना है। इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये सिमिलर वर्ड हैं जिनको हम सिनोनिम भी बोलते हैं, मेलीफ्लुअस। मेलीफ्लुअस का क्या अर्थ है? मेलीफ्लुअस का अर्थ है जैसे कोई व्यक्ति गाना गा रहा है आपके सामने, जैसे किशोर कुमार का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मेलोडियस उनकी आवाज़ है किशोर कुमार की, तो उसी को हम मेलीफ्लुअस बोलते हैं। बहुत ही स्वीट, बहुत ही मेलोडियस, बहुत ही सूदिंग साउंड, उसको हम बोलते हैं मेलीफ्लुअस। और मेलीफ्लुअस और मेलोडियस ये दोनों ही वर्ड्स मिलते जुलते वर्ड हैं, ठीक है। तो मेलीफ्लुअस का करेक्ट सिनोनिम जो होगा वो होगा ड्यूलसेट। ये एक नया वर्ड आया है और SSC में ये पूछा जा रहा है, तो ड्यूलसेट इसका सही आंसर होगा। मेलोडियस और सूदिंग इसके आंसर्स होंगे। शिवर का अर्थ होता है कांपना, ट्रेम्बल, शडर या क्विवर इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सारे वर्ड्स के आपको मीनिंग बता रहा हूँ। इमोरल मतलब अनैतिक, फ्रैंक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, और शिवर का अर्थ होता है कांपना, ट्रेम्बल करना या शडर करना या क्विवर करना। तो सिमिलर वर्ड होगा इसका मेलीफ्लुअस का ड्यूलसेट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डॉज, ये वर्ड भी काफी बार पूछा गया है। डॉज का अर्थ होता है अवॉइड करना, किसी चीज से बचना। एड जैसे एक वर्ड है, ये भी काफी कॉमन वर्ड है। इवेड का अर्थ होता है, जैसे आपने सुना होगा, टैक्स इवेजन, टैक्स से बचना। कुछ जो बड़े लोग होते हैं, इंडस्ट्रियस्ट होते हैं, काफी सारा टैक्स उनको पे करना होता है, टैक्स की लाइबिलिटी उनकी बन जाती है, तो उस सेंस में हम यूज करते हैं टैक्स इवेजन। उन्होंने मतलब टैक्स की चोरी की, टैक्स से बच गए वो, ठीक है। तो इवेड का अर्थ होता है आपका अवॉइड करना या डॉज करना, ठीक है। तो डॉज का क्या होगा यहां पर? अवॉइड होगा। कैओटिक मतलब बहुत ज्यादा नॉइजी, जहां पर बहुत ज्यादा शोरगुल है और जहां पर बहुत ज्यादा डिसऑर्डर है, दैट इज कॉल्ड कैओटिक, कैओटिक सिचुएशंस, ठीक है। इस वर्ड को हम बोलेंगे सॉफन, यानी मुलायम करना किसी चीज को, सॉफन। इसमें टी हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरिट्रीशियस, मेरिट्रीशियस क्या है? मेरिट्रीशियस एक ऐसी चीज है जो अपेरेंटली अट्रैक्टिव बट हैविंग नो रियल वैल्यू, जो अट्रैक्टिव तो लग रही है ऊपर से लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं है, वो अंदर से खाली है, उसको हम बोलते हैं मेरिट्रीशियस, ठीक है। उसमें मेरिट नहीं है, मेरिट्रीशियस मतलब जिसके अंदर मेरिट नहीं है, यानी चीप है वो, एक्स्ट्रा चीप है या ऑर्डिनरी है या फ्लैशी है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, बाहर से बहुत तड़क भड़क है लेकिन अंदर उसमें कुछ भी नहीं है, फ्लैशी, प्रीटेंशियस और टिंसली, ये हैं इसके सिनोनिम्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसके सिनोनिम्स हैं। और चूंकि यहाँ पर अपोजिट वर्ड चाहिए आपको, तो एग्जाम्प्लेरी इसका सही आंसर होगा। एग्जाम्प्लेरी का अर्थ होता है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, ठीक है। तो ए यहाँ पर आंसर होगा। नेचुरल का मतलब प्राकृतिक। ब्रेजन का क्या अर्थ है? ब्रेजन का अर्थ होता है शेमलेस या ढीट या ब्लेटेंट, तो ये होंगे सिनोनिम्स। और गॉडी का अर्थ होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी, बहुत ही ज़्यादा दिखावा करने वाला, बहुत ही ज़्यादा तड़क भड़क वाला, उसको हम बोलते हैं गॉडी, जिसको हम फ्लैशी भी बोलते हैं, ठीक है। तो मेरिट्रीशियस, मेरिट्रीशियस का अर्थ होगा कि कोई भी चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ्लैशी है या प्रिटेंशियस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेबुलस, नेबुलस ये एक्चुअली नेबुला एक वर्ड होता है और ये वर्ड यूज़ होता है सोलर सिस्टम में। ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम पढ़ते हैं, वहाँ पर नेबुला, नेबुला हम एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है, एक ऐसा स्पेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो बहुत धुंधला दिखाई देता है, जो क्लियर दिखाई नहीं देता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं नेबुला। जैसे प्लैनेट्स होते हैं और ये सारे मून, अर्थ वगैरह, इसी की तरह एक ऑब्जेक्ट होता है नेबुला जो कि धुंधला दिखाई देता है, तो उसी से ये वर्ड बना है नेबुलस। और नेबुलस का अपोजिट क्या होगा? नेबुलस का अपोजिट होगा डेफिनेट, डेफिनेट एंड क्लियर भी होता है इसका। आगे हम कुछ वर्ड्स जो दिए हैं यहाँ पर, इनके मीनिंग भी देखते हैं। सलेन का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा उदास,
रोता हुआ व्यक्ति, सोचता हुआ व्यक्ति, उदास या दुखी व्यक्ति, उसको बोलते हैं हम सलन। ठीक है, ब्रूडिंग भी इसके लिए एक वर्ड आता है। इनकोएट, इनकोएट का मतलब है जो जो शुरुआती फॉर्म में है, जो पूरी तरीके से अभी मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम जो होगा इनकोएट का, वो होगा मैच्योर, क्योंकि अनफॉर्म्ड इसका सिनोनिम है। ठीक है, डिसमल का अर्थ होता है मिजरेबल, ग्लूमी या बहुत ज़्यादा दुखी या उदास। तो ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और घूम फिर के एसएससी एग्जाम्स में आते रहते हैं। स्पिक एंड स्पैन, ये एक इडियम है, ये एक मुहावरा है और इसका अर्थ होता है, ये तो खैर काफ़ी कॉमन है और काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी एग्जाम में, इसका अर्थ होता है एकदम नीट एंड क्लीन। ठीक है, एकदम नीट एंड क्लीन, इसको हम बोलते हैं स्पिक एंड स्पैन। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो एक अच्छा आइडियम है, एक नया आइडियम है और इसका अर्थ होता है टू ड्रॉ माने खींचना, लॉन्ग मतलब लंबा, किसी चीज़ को लंबा खींच देना, एक छोटी सी बात है उसको बड़ा करके बताना। ठीक है, टू ड्रॉ द लॉन्ग बो, तो इसका अर्थ होता है एग्जैजरेट, एग्जैजरेट यानी ओवर स्टेट करना। नलीफाई का अर्थ होता है कैंसिल करना, अंडर रेट होता है कम कीमत आंकना किसी चीज़ की। ठीक है, डिमार्केट का अर्थ होता है सीमांकन करना, किसी चीज़ की सीमाओं को निर्धारित करना, दैट इज कॉल्ड डिमार्केट या डिमार्केशन भी उसको हम बोलते हैं। टू ड्रॉ द लॉन्ग बो इसका मतलब है एग्जैजरेट करना, किसी चीज़ को ओवर स्टेट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको सेंटेंस इम्प्रूव करना है, एक सेंटेंस का कुछ पार्ट ब्रैकेट में दिया है और वो ब्रैकेट वाला पार्ट गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। यदि सही है तो आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट और यदि गलत है तो फिर तीन जो ऑप्शंस हैं उसमें से आपको इसको सही करना है। बाय रेस्क्यूइंग द चाइल्ड फ्रॉम फायर द लोकल रेजिडेंट एडेड अनदर फेदर इन हिज कैप। देखिए, फेदर का मतलब होता है पंख और ये जो इडियम बना है ये एक रोमन कथा है, उसके आधार पर बना है। रोमन कथा में जो बैटल में जो सेनानी होते थे और जैसे जैसे वो छोटे छोटे बैटल जीतते जाते थे वैसे वैसे वो एक पंख उनके सिर में एक जगह होती थी, वहाँ पर वो लगाते जाते थे उस पंख को। एक बैटल जीता, एक पंख लगा लिया, दूसरा बैटल जीता, दूसरा पंख लगा लिया। तो एड अनदर फेदर का मतलब है कि एक और अचीवमेंट, एक और अच्छा काम। ठीक है, तो एडेड अनदर फेदर जो है ये सही इडियम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और यहाँ पर आपका आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट। यहाँ पर इसका मीनिंग आप पढ़ सकते हैं, डिटेल में मैंने इसका मीनिंग दिया है और कहाँ से ये इडियम क्रिएट हुआ है वो सारा मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। चलिए आगे देखते हैं, टेकअप, द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेकअप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून। टेकअप का मतलब होता है किसी चीज़ को हाथ में लेना, प्रोजेक्ट शुरू करना, किसी चीज़ को हाथ में लेना। ठीक है, टेकअप का मतलब एक और होता है, टेकअप का अर्थ होता है किसी जगह पर, किसी जगह को घेरना। जैसे हम बोल सकते हैं कि यदि इस सामान को आप यहाँ पर रखते हैं तो इससे इतनी जगह टेकअप हो जाएगी, इतनी जगह उससे ऑक्यूपाई हो जाएगी। तो टेकअप का क्या अर्थ है, टेकअप का मतलब है द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेकअप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को अब वो अपने हाथ में लेने का गवर्नमेंट प्लान कर रही है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू टेकअप द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सून, गवर्नमेंट जल्दी ही एक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लेने के लिए प्लान कर रही है, एक योजना बना रही है। तो टेकअप जो वर्ड है वो यहाँ पर सही है और इसका आंसर होगा आपका नो इम्प्रूवमेंट। टेक ऑन का क्या मतलब है, टेक ऑन का अर्थ होता है सामना करना। जैसे इंडिया टेक ऑन ऑस्ट्रेलिया टुडे, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगी आज। ठीक है, क्रिकेट में हम जैसे बोलते हैं, टेक ऑफ का अर्थ होता है किसी चीज़ को उतारना। ठीक है, टोपी उतारना, चश्मे उतारना, जूते उतारना, कपड़े उतारना, इसको हम बोलते हैं टेक ऑफ। टेक ऑफ का एक अर्थ और होता है, जब जो एरोप्लेन होता है जब वो ऊपर जाता है, उड़ान भरता है, दैट इज कॉल्ड टेकिंग ऑफ। ठीक है, उसको भी हम टेक ऑफ बोलते हैं। और जब जहाज नीचे आता है तो उसको हम बोलते हैं लैंडिंग। तो लैंडिंग और टेक ऑफ ये दो वर्ड हैं, तो इस सेंस में भी हम टेक ऑफ का यूज करते हैं। और टेक इन का क्या अर्थ है, टेक इन का अर्थ होता है किसी मेहमान को, किसी दोस्त को अंदर अपने घर में शरण देना, टेक इन। और एक और वर्ड होता है टेकन इन, टेकन इन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को ट्रिक करना, आई वॉज टेकन इन, मतलब मुझे ट्रिक किया गया, मुझे धोखा दिया गया, मुझे डिसीव किया गया, दैट इज कॉल्ड टेकन इन। ठीक है, और एक और इडियम मैं इसका बता रहा हूं, टेकअप द कजल्स। टेकअप द कजल्स का अर्थ होता है स्टार्ट टू डिफेंड और सपोर्ट समवन और समथिंग स्ट्रांगली, किसी व्यक्ति को सपोर्ट करना,
शुरू करना, उसको हम बोलते हैं टेक अप द कजल्स। ये यहां पर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। टेक अप द कजल्स का मतलब होता है स्टार्ट टू डिफेंड और सपोर्ट समवन और समथिंग स्ट्रॉन्गली। ठीक है, कजल का एक मतलब होता है, कजल का एक मतलब होता है बीट करना किसी व्यक्ति, एक औजार भी होता है कजल, जिससे हम एक किसी भी चीज को या किसी भी व्यक्ति या वस्तु को हिट करते हैं, उसको बीट करते हैं, मारते हैं उसको। तो कजल ऑल्सो मीन्स टू बीट। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, चार वर्ड दिए हैं, इनकरेक्ट कौन सा वर्ड है इसमें। फोरफिट की स्पेलिंग सही है, गोरेला की स्पेलिंग सही है, करप्ट की स्पेलिंग सही है, ब्लिसफुल में एक्चुअली डबल एल नहीं आता, तो इसलिए ब्लिसफुल की स्पेलिंग इसमें गलत है। एसएससी आपसे इनकरेक्ट वर्ड भी पूछ सकता है और करेक्ट वर्ड भी पूछ सकता है, इसलिए ब्लिसफुल का स्पेलिंग यहां पर गलत है। ठीक है, फोरफिट का अर्थ होता है किसी चीज को, जैसे आपने कोई कोई ऑफेंस किया, कोई अपराध किया, तो आपका जो सामान है या जो गारंटी है वो जब्त हो जाएगी, उसको बोलते हैं फोरफिट। लूज और बी डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर्टी और अ राइट और प्रिविलेज एज ए पेनल्टी फॉर रॉन्ग डूइंग, आपने कोई गलत काम किया है तो आपको पेनल्टी के तौर पर आपकी जो चीज गिरवी रखी है उसको जब्त कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड फोरफिट। और ब्लिसफुल का अर्थ होता है बहुत ज्यादा खुश, बहुत ज्यादा आनंद से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड ब्लिसफुल। करप्ट होता है भ्रष्टाचार। गोरिल्ला वैसे तो एक एनिमल का भी नाम है और बहुत लंबा चौड़ा कोई व्यक्ति है, एक राक्षस जैसा एक व्यक्ति है, उसको भी हम गोरिल्ला बोल सकते हैं। यहां पर स्पेलिंग आपको सही बतानी है, अचीवमेंट, ए सी एच आई ई वी ई एन टी, अचीवमेंट की स्पेलिंग सही है। देखिए ट्रांसलूसेंट जो वर्ड है इसमें सी आता है, ये आपने नोटिस किया होगा, ट्रांसल्यूसेंट में एस नहीं आता, सी आता है, तो इसकी स्पेलिंग होगी मतलब इसका आंसर होगा बी। अफॉरेस्टेशन सही है, फॉरनर सही है। ट्रांसल्यूसेंट होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, जिसमें से कोई चीज आर पार जा तो सकती है लेकिन पूरी तरीके से नहीं जा सकती, दैट इज कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट। और आगे कुछ वर्ड और देखते हैं, अमेंड डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग एंड सिंपैथी, इस सेंटेंस का मतलब सबसे पहले आपको समझना होगा। ए मैन डिवॉइड ऑफ काइंड फीलिंग और सिंपैथी, डिवॉइड का मतलब है कि वो चीज़ उसके अंदर नहीं है, उस चीज़ को वो अवॉइड करता है, डिवॉइड मतलब वो उस चीज़ को अवॉइड करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर काइंड फीलिंग नहीं है या सिंपैथी नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे कैलस। कैलस का अर्थ होता है इनडिफरेंट या इनसेंसिटिव, तो कैलस जो होगा वो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, कैलस। क्रेडुलस जो भोला भाला है, जो हर किसी पर भरोसा कर लेता है, दैट इज कॉल्ड क्रेडुलस। गलीबल का अर्थ भी वही है, जो सीधा साधा है, भोला भाला है, जिसको आसानी से फुसलाया जा सकता है, बेवकूफ बनाया जा सकता है, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड गलीबल। और बोहेमियन जो होता है वो समाज से अलग होता है, नॉन कन्फर्मिस्ट, अनकन्वेंशनल, ठीक है, अपारंपरिक, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरीके से अलग है, जो समाज के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, उनको कंफर्म नहीं करता, दैट इज कॉल्ड बोहेमियन। गलीबल एकदम सीधा साधा, नाइव भी बोलते हैं इसको हम, कैलस को बोलते हैं अनकेयरिंग या इनसेंसिटिव, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स हैं और ये वर्ड्स काफी कॉमनली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। यहां पर आप देख सकते हैं कुछ और वर्ड मैंने बताए हैं, वन हु ईट्स टू मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा खाना खाता है, जिसको हम हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं पेटू, ठीक है, तो ग्लटन इसके लिए एक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लेना, जी एल यू डबल टी ओ एन, ग्लटन। इम्पोस्टर का अर्थ होता है ढोंगी, ठीक है, जो फ्रॉड है, जो चार्लाटन है, जो फोनी है, जो ओरिजिनल नहीं है, जो फेक है, ठीक है। इंटेस्टेट कौन होता है, इंटेस्टेट इज ए पर्सन हु हैज डाइड विदाउट हैविंग मेड अ विल, जिसने अपनी बसीयत को नहीं लिखा और बिना बसीयत किए ही वो मर गया, उसको हम बोलते हैं इंटेस्टेट। बहुत ही अच्छा वर्ड है ये। इम्पोस्टर का अर्थ होता है फोनी या फ्रॉड या चार्लाटन। ग्लटन का अर्थ होता है जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, गैस्ट्रोनोम भी इसको हम बोलेंगे या फूडी भी इसको हम बोलेंगे। एक्चुअली फूडी थोड़ा सा अलग मीनिंग है, निकलता है, फूडी हम यूज करते हैं पॉजिटिव सेंस में, ग्लटन हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंस में। फूडी मतलब जो खाने का शौकीन है, ग्लटन मतलब जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है। और हाइपोकोंड्रियक इज ए पर्सन हु इज एबनॉर्मली एंग्सस अबाउट देयर हेल्थ, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ही ज्यादा एंग्सस है, चिंतित है, दैट इज कॉल्ड हाइपोकोंड्रियक।
ये पैराजंबल के कुछ क्वेश्चन हैं और पैराजंबल के कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नाउन आएगा, उसके बाद प्रोनाउन आएगा। कंजंक्शन से कोई भी सेंटेंस या कोई भी पैराग्राफ शुरू नहीं होता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, नो डाउट ये एक फ्रेज है, ठीक है। नो डाउट एक फ्रेज है और फ्रेज से कोई सेंटेंस या पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होता, तो यहाँ से ये सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। अब हम आगे बढ़ते हैं। द एम मस्ट बी टू इंश्योर दैट आर इकोनॉमी। देखिए, इसमें आपको एक ऐसा वर्ड देखना पड़ेगा जो इस पैराग्राफ का टाइटल बन सकता है, वहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये थोड़ा सा कठिन सा, थोड़ा सा ट्रिकी सा ये पैराजंबल है, इसको हम पढ़ते हैं। द एम मस्ट बी टू इंश्योर दैट आर कंट्री डज नॉट एक्सपीरियंस ईदर पॉसिटी और सरफिट ऑफ ट्रेंड मैन पावर इन एनी स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ आर इकोनॉमी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक एम की, लेकिन वो एम किससे रिलेटेड है, उससे पहले कुछ टाइटल या कुछ वर्ड आना चाहिए। यहाँ देखते हैं द एंटायर एजुकेशनल एपरेटस मस्ट बी गियर। यहाँ पर हम एंटायर एजुकेशन एपरेटस की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये किस कंट्री का है, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। यहाँ से हम देखते हैं, व्हेन वी सेट अबाउट द टास्क ऑफ हायर एजुकेशन वी शुड बी, यहाँ से देखिए काम को हम शुरू कर रहे हैं। सेट अबाउट का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना, ठीक है। व्हेन वी सेट अबाउट द टास्क ऑफ हायर एजुकेशन वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आर परसेप्शन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर नेशंस डेवलपमेंट। यदि हम हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारा जो परसेप्शन है, हमारी जो दृष्टि है, हमारा जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए और उसमें हमें नेशंस की डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक टाइटल वर्ड आया है, टास्क ऑफ हायर एजुकेशन। तो इसलिए इस सेंटेंस को आप यहाँ से शुरू करिए, फर्स्ट से। व्हेन वी सेट अबाउट द टास्क ऑफ हायर एजुकेशन वी शुड बी एब्सोल्युटली क्लियर इन आर परसेप्शन ऑफ द गोल्स ऑफ एजुकेशन इन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर नेशंस डेवलपमेंट। फर्स्ट सेंटेंस आपका आप यहां से बना सकते हो। इसके बाद आप क्या बोलेंगे, इसके बाद आप बोल सकते हैं, अब देखिए यहां से इसको मैं लिंक करके बताता हूं कि इसके बाद कौन सा सेंटेंस लॉजिकली लिंक हो सकता है। नो डाउट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एम्स ऑफ एजुकेशन वुड बी टू क्रिएट द रिक्वायर्ड रेंज एंड नेचुरल ऑफ ट्रेंड मैन पावर। देखिए यहां पर हमने गोल के बारे में बताया है और गोल जो मिलकर बनता है वो छोटे छोटे एम से मिलकर बनता है। हालांकि गोल और एम एक ही बात होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस ये निकल रहा है कि हम इस गोल को अचीव यदि करना चाहें तो हम उसको छोटे छोटे एम्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमने गोल्स की बात की है और यहाँ पर हमने एम्स की बात की है। इसके अलावा एक लिंक और बन रहा है इस सेंटेंस का और इस सेंटेंस का, कि यहाँ पर हमने एजुकेशन की बात की है और यहाँ पर भी हमने एजुकेशन की बात की है। बाकी सेंटेंसेस में देखिए हमने एजुकेशन की बात नहीं की है। तो यहाँ पर एजुकेशन वर्ड आया है, यहाँ पर भी एजुकेशन वर्ड आया है। तो इसलिए इसको करिए फर्स्ट और इसको करिए सेकंड। तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ठीक है। इसके बाद आप बोल सकते हैं, देखिए यहां पर आप फिर से लिंक करके मैं बताता हूं आपको। नेचर ऑफ ट्रेंड मैन पावर असेस टू बी नीडेड बाय डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ नेशनल ग्रोथ द एंटायर एजुकेशनल एपरेटस। यहां पर हमने बात करी है डिफरेंट सेक्टर्स की और डिफरेंट सेक्टर्स से मिलके क्या बनेगा। डिफरेंट, देखिए डिफरेंट मतलब होता है अलग अलग, और अलग अलग चीज़ों को जब आप जोड़ देंगे तो पूरी एक चीज बन जाएगी, ठीक है। और पूरी के लिए एक वर्ड है एंटायर, ठीक है। एक तो ये लिंक है, एक इसके अलावा एक लिंक और है इसमें, जैसे यहाँ पर सेक्टर वर्ड का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी सेक्टर वर्ड का यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इस सेंटेंस को आप बना सकते हैं थर्ड, और लास्ट में ये जो सेंटेंस है ये बन जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा क्यू आर एस पी। ये हो गया क्यू, ये हो गया आर, ये हो गया एस और ये हो गया पी, क्यू आर एस पी, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। ये है आपका सी जी एल का लेवल। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे पर्टिकुलरली टीयर टू में। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, पैराजंबल का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां पर क्या बताया है, यहाँ पर हम देखते हैं कोई नाउन देखते हैं, क्योंकि नाउन से सेंटेंस स्टार्ट होता है और उसके बाद प्रोनाउन आता है उसको रिप्लेस करने के लिए। तो
यहाँ पर है ब्यूरोक्रेटिक कल्चर्स कल्चर्स कैन स्मूदर दोज हु वांट टू रिस्पॉन्ड टू शिफ्टिंग कंडीशन। और यहाँ पर क्या है, एरोगेंट मैनेजर्स कैन ओवर इवेल्यूएट देयर करेंट परफॉर्मेंस एंड कंटिन्यू पोजिशन लेशन पुअरली एंड लर्न स्लोली। यहाँ पर हमने ये बताया है कि जो एरोगेंट मैनेजर्स होते हैं वो अपने आप को ओवर इवेल्यूएट करते हैं, ठीक है, उनकी जो लिसनिंग होती है वो पुअर होती है और स्लोली वो लर्न करते हैं। और यहाँ पर हमने बताया है इनवर्डली फोकस्ड एम्प्लॉयज़, मैनेजर जो होते हैं वो एम्प्लॉयज़ ही होते हैं। तो मैनेजर और एम्प्लॉय ये एक यहाँ पर एक लिंक बन रहा है इन दोनों का, ठीक है। इनवर्डली फोकस्ड एम्प्लॉय कैन हैव डिफिकल्टी सीइंग द वेरी फोर्सेस दैट प्रेजेंट थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटी। मतलब यहाँ पर हम मैनेजर्स के नेगेटिव पॉइंट बता रहे हैं कि यदि वीक मैनेजर है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ढंग से काम नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट सेंटेंस आप इसको ले सकते हैं, सेकंड सेंटेंस आप इसको ले सकते हैं। ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस देखते हैं। तो आपका क्योंकि यहाँ पर हम प्रॉब्लम भी बता रहे हैं ना, यहाँ पर हम प्रॉब्लम बता रहे हैं और यहाँ पर भी हम उसको एक्सटेंड कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को। तो क्यू और एस ये फर्स्ट सेंटेंस बन जाएंगे। अब एंड दिया है इसमें, यानी ये कंजंक्शन दिया है, यानी ये सेंटेंस किसी पहले वाले सेंटेंस से जुड़ेगा। ये सेंटेंस फर्स्ट नहीं हो सकता, यानी ये सेंटेंस फर्स्ट हो जाएगा और ये सेंटेंस हो जाएगा आपका मतलब थर्ड ये हो जाएगा और फोर्थ ये हो जाएगा। ये सेंटेंस थर्ड नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कंजंक्शन लगा हुआ है और ये सेंटेंस किसी प्रीवियस सेंटेंस से जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा क्यू एस पी आर, ठीक है। ये काफ़ी ट्रिकी सेंटेंसेस हैं, ये पैराजम्बल के सेंटेंसेस हैं और ये 2017 में इस तरह के सेंटेंसेस पूछे गए हैं। यहाँ देखते हैं शी टीचेज अस इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है और शी है इसमें सब्जेक्ट, टीचेज है इसमें ऑब्जेक्ट, इंग्लिश है इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और अस है इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जब दो सेंटेंस, जब एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, तो नॉर्मली हम इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उससे सेंटेंस बनाते हैं। तो अस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में एक्टिव वॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम एज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें एज एम आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो इसका आंसर होगा आपका वी आर टॉट इंग्लिश बाय हर। ये है नरेशन का सेंटेंस, निशा सेट टू स्वाति विल यू हेल्प मी इन योर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ, विल यू हेल्प मी। निशा ने स्वाति से बोला कि क्या तुम मेरी इस प्रोजेक्ट में इस समय हेल्प करोगी। तो देखिए एक्टिव वॉइस और नरेशन के यदि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं तो जो मैंने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं एक्टिव वॉइस के और नरेशन के उनको सबसे पहले आप देख लें, उसके थ्रू आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद आप इनको आप प्रैक्टिस करें। हालांकि मैं भी और भी पार्ट्स नरेशन के और वॉइसेस के डालूंगा प्रैक्टिस सेंटेंसेस के साथ, लेकिन उन पार्ट्स को देखना जरूरी है तभी आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। जस्ट नाउ जब हम बोलते हैं, जस्ट नाउ यदि प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में क्या होगा, ठीक है। यदि कोई चीज़ अभी है और इस अभी वाली चीज़ को आप कल बोलते हैं, मतलब आने वाला कल, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, नाउ क्या हो जाएगा, नाउ देन हो जाएगा। इसलिए जस्ट नाउ को हम जस्ट देन में हम चेंज कर देते हैं। तो एक तो ये यहाँ से आप बना सकते हैं, जस्ट नाउ वाला सेंटेंस तो गलत रहेगा, ठीक है, जस्ट देन वाला सेंटेंस भी गलत रहेगा। जस्ट देन और जस्ट देन, इन दोनों में जस्ट देन दिया है। अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें, ये है एक क्वेश्चन, विल यू हेल्प मी इन योर प्रोजेक्ट जस्ट नाउ। तो क्वेश्चन को हम किससे करते हैं, क्वेश्चन को हम इफ से कनेक्ट करते हैं, विल को हम वुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। और चूंकि एक क्वेश्चन है तो इसलिए इसमें टोल्ड वर्ड का यूज नहीं होगा, इसमें केवल और केवल आस्क का ही प्रयोग होगा, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा निशा आस्क्ड स्वाति इफ शी वुड हेल्प हर इन हर प्रोजेक्ट जस्ट देन, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। निशा सेट नहीं सेड, ये देखते हैं एक सेकेंड, निशा आस्क्ड, आस्क के बाद हम टू नहीं लगाते तो ये नहीं होगा इसमें, और ये टोल्ड वाला भी कट गया, ये भी कट गया, तो इसमें आपका आंसर होगा ये वाला सी वाला, निशा आस्क्ड, आस्क्ड भी सही है, स्वाति सही है, इफ इसमें सही लगा है, विल के स्थान पर वुड कर देंगे ये सही लगा है, और यहां पर ये जो मी है
ठीक है, विल यू, ये जो है यू है ये एक्चुअली इसके ये जो रिपोर्टिंग पार्ट होता है इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये चेंज होता है, ठीक है। तो यू को हम चेंज कर देंगे स्वाति के अकॉर्डिंग, और स्वाति का हम प्रोनाउन वर्जन लेंगे, मतलब हर उसका हो जाएगा यू का। तो इसलिए इसमें हो जाएगा निशा, निशा आस्क्ड स्वाति इफ शी वुड हेल्प हर, हर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर अगर हेम होता या दे होता या कोई वर्ड होता तो वो गलत होता। इन हर, यहाँ पर भी देखिए हर लगाया है हमने, देखिए यहाँ पर मी लगाया है, ये गलत है। इन दोनों की जगह हर हर ही आएगा इसमें, यहाँ पर मी लगा है ये गलत हो गया इसमें, हर ये सही है, ये वाला हर सही है। तो इन हर प्रोजेक्ट जस्ट देन, इसमें जस्ट देन भी है, ठीक है। तो सी इसमें जो है ये सही इसका आंसर है, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे एक क्लोज टेस्ट करते हैं। ये क्लोज टेस्ट 2017 में 9 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। डेमोक्रेसी शुड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं, ऑप्शन दिए हैं कीप, सपोर्ट, इंश्योर, बिल्ट। देखिए बिल्ट तो आएगा नहीं, क्योंकि बिल्ट आएगा डेमोक्रेसी शुड बी, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाते हैं, तो बी तो इसमें है नहीं, यहां पर तो प्योर आपको फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो बिल्ट नहीं आएगा, ठीक है। डेमोक्रेसी शुड सपोर्ट डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। देखिए सपोर्ट तो आप बाद में करते हैं, सबसे पहले तो आपको इंश्योर करना चाहिए कि उसकी डिग्निटी को मेंटेन किया जा रहा है, उसके बाद उसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो सपोर्ट वर्ड उतना प्रॉपर नहीं है। कीप देखते हैं, डेमोक्रेसी शुड कीप डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, डेमोक्रेसी शुड कीप का मतलब है कि उसकी उसकी इज्जत रखना चाहिए, ये थोड़ा सा इनफॉर्मल सा वर्ड लग रहा है। यहां पर सही वर्ड होगा इंश्योर, डेमोक्रेसी शुड इंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। डेमोक्रेसी को, लोकतंत्र को, एक व्यक्ति की डिग्निटी को, ठीक है, उसकी उसकी आदर और उसकी इज्जत को इंश्योर करना चाहिए कि वो चीज उसको एक देश में मिल रही है। इंश्योर करने के बाद फिर उसको सपोर्ट करना चाहिए या कीप करना चाहिए, पहले तो उसको इंश्योर करना जरूरी है। तो यहां पर सही आंसर होगा आपका सी, डेमोक्रेसी शुड इंश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इट शुड ऑल्सो एम एट द गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट, गुड का अर्थ है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की ज्यादा से ज्यादा भलाई करनी चाहिए। तो यहां पर आप लगा सकते हैं स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट तो हम उसके लिए लगाते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, हैवीएस्ट हम किसी चीज के लिए लगाते हैं, ग्रेटेस्ट महानतम यानी बहुत ज्यादा। इट शुड ऑल्सो एम एट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट, यहां पर देखते हैं क्या ऑप्शन है, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट, देखिए ग्रेटेस्ट पीपल का मतलब तो ये हो जाएगा महान लोगों की, महान तरीके से उनकी हेल्प करनी चाहिए, तो पीपल का तो कोई सेंस नहीं बनेगा। ग्रेटेस्ट नंबर आप लगा सकते हैं, क्योंकि देश में जो जनसंख्या है वो नंबर है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा महानतम सुख सुविधाएँ और भलाई का काम एक लोकतंत्र को करना चाहिए। तो सी इसमें आपका सही आंसर होगा, इट शुड ऑल्सो एम एट द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं, द अपोजिशन पार्टी शुड द रॉन्ग प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, जो पावर में जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन पार्टी क्या करती है, अपोजिशन पार्टी यदि किसी पार्टी की गलत पॉलिसीज हैं तो उसको प्रोटेस्ट करती है, उसका विरोध करती है, उसको अपोज करती है, ठीक है। अपोज सही आंसर हो जाएगा, अगेंस्ट तो तब आएगा जब हम इजमार लगाएंगे, जैसे ही इज अगेंस्ट मी, अपोजिशन पार्टी इज अगेंस्ट द सपोर्टिंग पार्टी, तो अगेंस्ट तो तब आएगा जब हम इजमार इसमें लगाएंगे। लेकिन यहां पर तो शुड के बाद आपको एक वर्ड चाहिए, और शुड के बाद जो वर्ड आएगा वो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है अपोज, अगेंस्ट जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। अपोजिशन पार्टी सपोर्ट नहीं करेगी, कोई गलत पॉलिसी है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, अपोज करेगी, इसलिए सपोर्ट तो बिल्कुल ही गलत है। रिलाय ऑन नहीं आ सकता, रिलाय ऑन का मतलब होता है निर्भर होना। अपोजिशन पार्टी शुड अपोज द रॉन्ग प्लान्स पॉलिसीज एंड डिसीजंस ऑफ द गवर्नमेंट इन पावर, द गवर्नमेंट शुड केटर टू द, केटर टू द का मतलब है कि उस चीज को वो पूरा करती है, उसकी डिमांड को पूरा करती है। द गवर्नमेंट शुड केटर टू द
नीड्स ऑफ द पीपल टू मेक इट्स पोजिशन सॉलिड, अपनी पोजिशन को सॉलिड करने के लिए अपने जो सिटीजन्स हैं उनकी डिमांड को, उनकी नीड्स को पूरा करना चाहिए। तो डिमांड, नीड जो है वो क्या है, नीड एक नाउन है, तो यहाँ पर आपको एक एडजेक्टिव चाहिए जो नीड नीड नाउन को क्वालिफाई कर सके। तो एक जो सिटीजन होता है, जो नागरिक होता है, उसकी जो नीड्स होती हैं वो कैसी होती हैं, इमोशनल नहीं होती, उसकी नीड्स ओरिजिनल नहीं होती, उसकी नीड्स, मेयर का मतलब है केबल, तो केबल तो नहीं आएगा, ओरिजिनल अब हम लगाते हैं किसी स्पेयर पार्ट के सेंस में या किसी कोई क्रिएशन के सेंस में कि कोई चीज़ ओरिजिनल है। नीड ओरिजिनल नहीं होती, नीड जेन्युइन होती है, ठीक है। नीड के सेंस में हम जेन्युइन वर्ड का यूज़ करते हैं कि जेन्युइन डिमांड्स या जेन्युइन नीड्स, सही डिमांड या सही नीड, तो जेन्युइन वर्ड यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। तो ये था 9 अगस्त 2017 मॉर्निंग शिफ्ट का टीयर वन का एक पेपर। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी पसंद आएगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी सीजीएल टीयर वन और टीयर टू निकालने में। यदि आप कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो इस ईमेल आईडी पर दे सकते हैं और इन कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।